रात बैठ जाओ, चार बातें करें, फिर आगे चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पर कैप्टन सफदर साहब को अटक आने पर दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ, और इनके साथ हमारे चौधरी सरफराज अफजल साहब जो हैं वो भी तशरीफ लाए हुए हैं, उनको भी खुशामदीद कहता हूँ, और आप सब लोगों को भी खुशामदीद कहता हूँ जो आज इस रैली में शामिल हो रहे हैं। जो फतेह जंग भी जा रही है जिसकी क्यादत कैप्टन सफदर साहब करेंगे, तो मैंने उनको कहा कि जी आप उस सीट पर आज बैठे जहां पर कि बेगम कुलसूम बैठा किया करती थी। तो बहरहाल इस खानदान का मैं मशहूर हूं क्योंकि इन्होंने हमें बड़ा प्यार दिया, मोहब्बत दी, और ख़ास तौर पर बड़े मियाँ साहब के तो हम बेहद ममनून हैं कि जिन्होंने हमें बेताशा प्यार दिया, बेताशा मोहब्बत दी। तो हमारी दुआ है कि हमारे कायद वापस आए मुल्क के अंदर, और ये भी दुआ है कि अल्लाह करे कि ये अब नून की जो सिलसिला है ये चलता रहे, क्योंकि इनके बगैर पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है। तो मेरी सदर साहब आपके लिए भी दुआ है, मरीज साहब के लिए भी दुआ है, बच्चों के लिए भी है, और अपने कायद नवाज शरीफ साहब की जिंदगी और सेहत के लिए भी दुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखो देखो कौन आया। अगर आप बैठ जाए तो मुझे आसानी हो, पीछे तक नजर आए। नीचे बैठ जाए, सारे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, यहीं पे बैठ जाए, नीचे बैठ जाए, बैठ जाए, नीचे सारे बैठो, बैठो, चले बैठो, यार बैठ जाओ तो मेहरबानी उसी बबर शेर तमाम बैठ जाए, बबर शेर मेरे भाई बैठ जाए, ताकि कैप्टन साहब की बात सब सुन सके और सब इनको देख सके, दयारत हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अटक के मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और यूथ विंग के नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। एक तो जब मैं गुफ्तगू करूं तो नारा नहीं लगाना, ठीक होगा? नारा लगेगा तो एक ही नारा होगा, ताजदारे खत्मे नबूवत। आज मुझे खुशी है कि कहा 1999 से एक जदोजहद थी मुशर्रफ आमिर के खिलाफ, आमरीत के खिलाफ, आइन शिकन ताकतों के खिलाफ जब एक जदोजहद का आगाज हुआ तो हमारा लीडर अटक किले में बंद था, अटक जेल के अंदर उसका पूरा खानदान था, और अटक को यह एजाज हासिल है कि नवाज शरीफ ने जो मुकाबला किया तो अटक की धरती पे खड़े होकर मुशर्रफ को ललकारा। और मैं आज सलाम पेश करता हूं जस्टिस वकार सेठ को, जिसने मुशर्रफ के 3 नवंबर के आइन शिकन इकदाम पर फैसला दिया और कहा कि उस आमिर को डी चौक पे लटका दो, अगर जिंदा नहीं आता, जब मर के आएगा तो उसकी डेड बॉडी को लटका देना डी चौक पर। और यह भी एजाज हमारे सूबे को हासिल है कि हमारे सूबे का चीफ मिनिस्टर, हमारे सूबे का चीफ जस्टिस, हमारे सूबे का गवर्नर झगड़ा, ये जरूरतमंद लोग हैं। और हमारे चीफ जस्टिस ने जब ये फैसला दिया कि मुशर्रफ को लटका दो डी चौक में, तो सलाम पेश करता हूं उसके मजार एक्ट्रेस को,
कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा उसने एक फैसला दिया कि जो शख्स आइन को ना माने उसको तोड़ दे, उसकी सजा है उसको फांसी दे दो। और उसने 73 के आइन के मुताबिक ये फैसला दिया था। फिर बाद में वो आइन को जिंदा रखने की बादाश्त में खुद शहीद हो गया। मगर उसके साथ ये एजाज हासिल इस घर को कि बेगम साहबा जब तहरीक का आगाज करती हैं तो इस जगह से आगाज करती हैं। और मुशर्रफ को ललकार रही है। और नवाज शरीफ एक साल से ज्यादा अटक का पानी अटक किले में पीता है और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाता है। नवाज शरीफ कहता है कि मैंने इस पाकिस्तान को एड भी पाकिस्तान बनाया, इसके लिए मेरी जान जाती है तो चली जाए, मगर मैं पाकिस्तान के आइन और इसकी सालमियत के साथ सौदाबाजी नहीं कर सकता। और एक वक्त आया जब नवाज शरीफ पे मार्शल लॉ लगा, 58(2)(b) लगा, मोबाइल बंद करो भाई, मोबाइल साइलेंट कर दो, साइलेंट करके मोबाइल बंद कर दे भाई। जब मार्शल लॉ लगा, 58(2)(b) लगा, जब नवाज शरीफ को आवाम के दिलों से ना निकाल सके तो फिर एक पानामा साजिश हुई, भाई इनसे मोबाइल छीन लो, ये डिस्टर्ब कर रहे पूरे जलसे को। एक पानामा साजिश हुई यार, महफिल के आदाब के मुताबिक चले, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, मोबाइल बंद कर छोड़े, कॉल ना सुने, रिकॉर्डिंग करे, रिकॉर्डिंग जरूर करे। ये तारीखी अल्फाज में आपको बयान कर रहा हूं। लोग मसलियत का शिकार होते हैं, मैं जिंदगी में नहीं हुआ इसलिए कि मैं औलाद अली हूं, हम तो करबला में मसलियत का शिकार नहीं हुए, तो इनके सामने हो जाए। हमारे तो 6-6 महीने के बच्चे कहते हैं कि शरीयत के लिए कुर्बान हम नहीं होंगे तो कौन होगा, तो हम मसलियत का शिकार नहीं होते। बात दबंग तरीके से करते हैं कि मुशर्रफ जब भी आएगा और सेठ वकार के फैसले को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसकी डेड बॉडी को डी चौक पे इंशाल्लाह ताला आपके साथ लटकाएंगे। हम इस धरती पे आते हैं, हमें वो आजाब और पाकिस्तान की सालमियत के लिए तहरीक के और आप जेनों में ताजा हो जाते। शेख अफताब साहब को मैंने फुटपाथ पे भी बैठे देखे अटक किले के बाद, बिल्कुल रुलते देखा मैंने। आज तो गुलशन में बाहर आई है, बड़े बड़े धोतियां बदल कर और पगे बदल कर आ जाएंगे, मगर नवाज शरीफ साहब काम उनके ही कदों पे जमींदारी होगी जो 48 साल के आपके साथ है शेख अफताब साहब। उजलत में मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करने आ रहे हैं, और यार पीछे जो पानी की टैंकी के साथ पीटीआई का झंडा उसको तो डाल दिया, लोगों को फोन कर यार पीटीआई का झंडा दिला दे, ऐसे काम नहीं होगा, काम कुर्बानियों से चलता है। आज जब पार्लियामेंट ने ये देखा कि नवाज शरीफ को मार्शल लॉ खत्म ना कर सकी, 58(2)(b) खत्म ना कर सका, साकिब निसार एजाज अफजल जो कादियानियों का अपॉइंट किया हुआ जज था, उसने कादियानियों की इमाम पर नवाज शरीफ को नाइल करार दिया, एजाज अफजल मानसरा वाले ने एजाज अफजल पे पानामा में कुछ साबित ना हुआ, नवाज शरीफ था याद नाइल, उसकी बेटी था याद नाइल 10 साल, हम तो सुखी नाल सिनी तो सड़नी है, हमें क्या परवाह है, हम एल है या नहीं एल है, क्यों जी एल है, एल है। मैं और शेख साहब अरबों रुपए के फंड पे बैठे थे, नायल करने वालों पे लानत, करने वालों पे लानत बेशुमार। आज हम खरबपति होते, और कसम खुदा की अगर आपका मैंने और शेख अफताब ने 1 रुपया खाया हुआ तो रोजे मैशर हमें माफ न करना,
अटक वालों हमारे जनाजे न पढ़ना, इससे बड़ी बात और हम क्या करें। एक रुपया आपका खाया हो, अपनी गाड़ियों में मुल्क में डेवलपमेंट करवाते थे, और जब देखा पानामा में साकिब निसार असल गद्दार, गद्दार आईन ने एक फैसला देकर हमारी हुकूमत को खत्म किया, पार्लियामेंट पर हमला किया, कैबिनेट खत्म कर दी 2018 का इलेक्शन चोरी करने का रास्ता निकाला, फिर इमरान को लेके आए, फिर इमरान ने जब पाकिस्तान की मईशत को तबाह किया, इखलाकियात को तबाह किया, मुआशरे को तबाह किया, बेहुर्मती की, और फिर अदम एतमाद हुआ। क्या हुआ दोस्तों? अदम एतमाद हुआ। हमारी 73 साल तारीख में दो लोगों पे अदम एतमाद हुआ, एक चौधरी मोहम्मद अली पे 1958 या 1959 होगा, और एक इस बदबख्त पे अदम एतमाद हुआ जब पार्लियामेंट में अदम एतमाद करके उसको बाहर निकाला, और आज नवाज शरीफ की बेटी अटक पे इसलिए आ रही है, करिया करिया जा रही है। अब अवामी अदम एतमाद की तहरीक शुरू हो गई है, अब इमरान पर गली गली अवाम अदम एतमाद करेंगे, कर चुके हैं। इमरान पे ये अदम एतमाद है या नहीं है? जलसे एक तहरीक चल चुकी है, इमरान पे अवामी अदम एतमाद शुरू हो गया है। अवाम ने जगह जगह जलसे करके ये साबित करना है कि पार्लियामेंट ने आइन के मुताबिक अदम एतमाद किया। अवाम अपनी राय जलसों में देकर इमरान पे अदम एतमाद करने जा रही है। अटक को आज फिर ये एजाज हासिल हो रहा है कि अटक की धरती के ऊपर पहला जलसा अवामी अदम एतमाद इमरान खान पर कर रहा है। ये तहरीक का पहला जलसा है, हम साबित करेंगे पूरी दुनिया में। साजिश नहीं हुई, साजिश उस दिन हुई थी जब तुम कंटेनर पर बैठे थे, चाइना के सदर को आने से रोका था, पानामा में आपने जस्टिस खोसा से रात को मुलाकात करके खत लिखा, पानामा का फैसला दिलवाया, साजिश वो थी। आज का जलसा अवामी अदम एतमाद है इमरान पर। क्या है ये जलसा? क्या है ये जलसा? क्या है ये जलसे? आओ ना इवाम में मुकाबला करें, वोट का मुकाबला करें, अगर ज्यादा जोर है तो फिर बाजू का मुकाबला भी तैयार है। मेरी वो कौम है जो बांग्लादेश में कहती थी हम आखिरी गोली तक लड़ेंगे, वो पाकिस्तान दे के थे जन न्याजी पाकिस्तान के थे फिर पहुंच आया, ये बात है या नहीं? ये कहता था मैं आखिरी बॉल तक लड़ूंगा, पता चला बॉल ही टेम्पर करके कहीं पहुंच गया। आप कहते हैं मैं एक खत लिए फिर रहा है, ये खत है या पीरनी का ताबीज है? लोगों झूठा खत में खांदा असेंबली चे तू क्यों नहीं आंदा, गो न्यादी गो न्यादी, एक रुपए के दो न्यादी, दो न्यादी गो न्यादी। भाई आप कौम इसके खिलाफ जलसों में रिफ्रेंडम करने जा रही है, अवामी ताकत बताएगी कि ये झूठा है, ये फ्रॉड है, ये 2018 का इलेक्शन चोरी किया, वरना शेख आफ्ताब आज भी है मैंने, यही बात है। इस तहरीक में बढ़ चढ़ के हिस्सा लो, अवामी रिफ्रेंडम, अवामी अदम एतमाद इमरान के खिलाफ हो रहा है। हमने पूरे 22 करोड़ को इकट्ठा करके दिखाना है कि ना सिर्फ असेंबली ने अदम एतमाद किया, हम इलेक्शन से पहले तुम्हारे ऊपर अदम एतमाद कर रहे, और ये असेंबलियां अपना वक्त पूरा करेंगी, आईनी वक्त पूरा करेंगी। अब मुल्क एक जमादार शख्स
जिसका नाम शहबाज शरीफ उसके हाथों में आ गया है इंशाल्लाह। और आप दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की देखेंगे इन्हां नूं वल आंदा है वल तरक्की दा वल आंदा है की आंदा है अटका लियो ए वल हुण अजमान दो शहबाज शरीफ साहब जहां आप तरक्की करेंगे वहां इनका एतमाद खो चुके हैं एहतसाब की जरूरत है। इमरान खान आपका एहतसाब साबित करेगा कि 73 साल में सबसे बड़ा करप्ट इंसान साबित होगा बिल्कुल। और जरा जुतियां अपने पैसे दी ना खरीद सके उस बनी गाला दा महल बना ले उदी भैन कहती है मैं सिलाई मशीन तो ये सिलाई मशीन है या खलाई मशीन है भरा खलाई मखलूक ने वजीर आजम बनाया ते भैन सिलाई मशीन ने अमीर बना छड़ी वो एक गोगी है पता नहीं फरा गोगी नहीं उन्हें देखिया पीटीआई करप्शन का तंदूर गर्म है फरा ने भी बिच ला ली अपनी गोगी तो होगी फरा गोगी ये गोगियां लगाने वालों को गर्म तंदूर में चपाती लगाने वाले ये गोगियां लाने वाले नहीं छड़ना छड़ना या नहीं छड़ना। शहबाज शरीफ साहब 22 करोड़ आवाम आपकी तरफ देख रहे हैं डट जाओ आप डटोगे क्योंकि आपकी तरबियत मियां शरीफ की है डटने वाली और डट जाओ शहबाज शरीफ साहब 22 करोड़ अदम एतमाद करने जा रही है आप मुल्क का नक्शा बदल दो जिस तरह पंजाब का बदला है इस तरह खैबर पख्तूनख्वा सिंध बलोचिस्तान का बदलो। अब आ गया वक्त मोटरवे चलेगी चाइना काश्मीर ग्वादर चलेगा डैम्स बनेंगे नेरे बनेगी अटक भी शराब होगा इंशाल्लाह ताला असि और सारी उम्र रेत न छाणा ना अटक आले कोई गड्ढा पैदा करिए कोई छिपर मूली पैदा करिए कोई गाजर कॉटन पैदा करिए गल है या नहीं इंशाल्लाह ताला फैसला उही होएगा अटक में लैंड उत्थे ही बनेगी जिथे शेख अफताब खलो